हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजूस क्रिएटिव आइडियाज़। होली आने वाली है और आप में से बहुत लोगों के यहाँ होली पर नए कपड़े पहनने का रिवाज है। होली खेलने के टाइम पर नहीं, होली खेलने के बाद नहा धोकर नए कपड़े पहने जाते हैं। वैसे आपकी पसंद है, आप नए कपड़े पहन के भी होली खेल सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी होली से रिलेटेड काफ़ी कपड़े आ रहे हैं जिन पर होली से रिलेटेड प्रिंट्स होते हैं और जो कलरफुल भी होते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा कलरफुल आउटफिट लेके आई हूँ जो ट्रेडिशनल होने के साथ साथ ट्रेंडी भी है। मैंने एक लहरिया साड़ी से एक इंडो वेस्टर्न स्कर्ट बनाई है और उसके साथ पेयर करने के लिए एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का स्कार्फ एंड स्टोल भी बनाया है। इस स्कर्ट को मैं इंडो वेस्टर्न इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस स्कर्ट में आपको ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ एक वेस्टर्न लुक भी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले साड़ी में से मैंने एक स्क्वायर पीस कट करके साइड में रख दिया है, उसके बारे में मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। और जो ये स्कर्ट है वो मैंने दो लेयर में बनाई है क्योंकि साड़ी बहुत लाइट वेट और ट्रांसपेरेंट थी, तो इसमें हम दूसरी कोई किसी भी फैब्रिक में हम लाइनिंग यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसमें मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ करी है और इसको दो लेयर में बनाया है जैसे मैंने आपको बताया। वेस्ट पर ही मैं फुल गैदर्स दे सकती थी लेकिन इसमें कॉटन की लाइनिंग लगाई है और कॉटन की लाइनिंग की वजह से ही इसमें ज़्यादा मैं गैदर्स नहीं दे सकती थी क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्लफी दिखाई देती और अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से मैंने ये स्कर्ट जो है दो लेयर में बनाई है। अगर आप स्कर्ट में इलास्टिक लगा रहे हैं तो जो भी आपका वेस्ट एरिया है उसमें 8 से 10 इंच आपको फैब्रिक ज़्यादा रखना है क्योंकि इलास्टिक जब हम लगाते हैं तो उसमें हमको फैब्रिक ज़्यादा चाहिए। स्कर्ट की फर्स्ट लेयर बनाने के बाद में जो भी मेरी साड़ी थी उसमें से मुझे जितनी स्कर्ट की लेंथ चाहिए थी उस साड़ी में से मैंने उतना कट करके और जो भी मेरा फैब्रिक बचा हुआ था वो सारा मैंने इसमें यूज़ कर लिया है क्योंकि साड़ी बहुत लाइट वेट थी, तो इसमें जो बची हुई साड़ी थी उसकी सारा मैंने यूज़ करके ये पूरा गैदर्स डाल दिए हैं इसमें। और जो उसमें से बचा हुआ कपड़ा था वो भी मैंने यूज़ किया है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी ये स्कर्ट का फॉल एरिया है यहाँ पर भी मैंने इसमें एक मैचिंग के प्लेन फैब्रिक से इसमें बॉर्डर दिया है, आप ये देख सकते हैं इसमें इस तरह का बॉर्डर दिया है और साथ में ये लेस भी लगाई है। तो जो ये बॉर्डर दिया है और साथ में जो लेस लगाई है इसी वजह से इस स्कर्ट का जो लुक है इंडो वेस्टर्न लुक आ रखा है क्योंकि जो इस तरह के बॉर्डर्स हैं वो जो भी हमारी ये लहरिया साड़ी, राजस्थानी साड़ी या इस तरह के इनके लहंगे जो होते हैं उसमें इस तरह का बॉर्डर यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं आप ये बनने के बाद में इस तरीके से स्कर्ट का लुक आ रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि स्टार्टिंग में जो मैंने साड़ी है उसमें से स्क्वायर पीस जो है वो कट करके अलग रख दिया था, तो उस जो स्क्वायर पीस है मैंने एक ट्रेंडी स्टॉल बनाया है। तो जो ये स्क्वायर कपड़ा था उसको ट्रायंगल में करके चारों तरफ से स्टिच कर दिया है, ये देखिए ये इस तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। और जो हमारा इस तरीके से ये जो लुक आया है उसमें भी मैंने ये गोल्डन कलर के जो ये बीड्स लगा रखे हैं इस तरीके से, तो जब हम इसको पहनेंगे तो जब ये आगे फ्रंट में इसका जो लुक है वो बहुत एक अच्छा सा लगेगा। स्कर्ट की लेंथ कट करने के बाद में जो मेरे पास फैब्रिक बचा था वो रेक्टेंगल शेप में लंबाई में बचा था, तो उसका भी मैंने एक यूनिक स्टाइल का जो है स्कार्फ स्टोल बनाया है जो मैंने तो शायद अभी कहीं देखा भी नहीं है। तो इस तरह का ये है स्टोल, तो ये पूरा एक लंबाई में मेरे पास फैब्रिक बचा था और इसकी विड्थ भी ज़्यादा नहीं थी, विड्थ भी इसकी इतनी ही थी इसकी, तो इसको भी मैंने एक स्टॉल की शेप दी है। इसके जो कॉर्नर्स थे उस पर ये इस तरीके से ये जो गोल्डन कलर के जो बीड्स आते हैं उससे कवर करके और इसमें ये लटकन लगा रखी है मैचिंग की। और इसका जो दूसरा वाला एंड है उसमें भी सेम इसी तरीके से
इसको सेम लटकन ऐसे लगा रखी है। और इसका जो मेन लुक है, क्योंकि ये जब मैं पहनूंगी तभी आपको इसका लुक ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसका जो सेंटर पार्ट है इसमें देखिए इस तरीके से एक पेंडेंट लगाया है, ये देखिए। तो जो ये पेंडेंट है, जब इसको हम पहनेंगे और जब गले में रैप करेंगे तो इसका बहुत ही एक अलग यूनिक तरह का एक स्टाइल निकल के आएगा। और इसको बनाना बहुत ही इजी है। हम लेडीज़ के पास में बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी रहती हैं जो हम पहन पहन के बोर हो जाते हैं, उसको रिटायर कर देते हैं। उन्हीं में से कोई आपके पास इस तरह का पेंडेंट है तो उसको आप इस तरीके से इसमें दुपट्टे में लगा सकते हैं। किसी भी तरह का भी पेंडेंट हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ड्रेस के साथ में मैच कर रहा है, उस तरीके का आप इसमें पेंडेंट लगा सकते हैं। मैंने तो इस स्कर्ट के साथ में ब्लैक कुर्ती पहनी है, क्योंकि मैं इस ड्रेस को पूरा इंडो वेस्टर्न लुक देना चाहती थी। आप इस स्कर्ट को कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और आप सबको हैप्पी होली।